अगर आपने भी टैप टैप करके हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइन्स बनाए थे टेलीग्राम के ऊपर और अभी आपके पास वो नहीं है, तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये कॉइन्स अभी दोबारा से बायनेंस के ऊपर भी अर्न किए होंगे लॉन्च पूल के द्वारा। तो लॉन्च पूल की सारी डिटेल मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी दे चुका हूँ कि आपको लॉन्च पूल मिल रहा है हैमस्टर कॉम्बैट का, जिसके ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी मिल रही है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे आपको जो कॉइन्स मिल रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो वो कॉइन्स की क्वांटिटी बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ ही कॉइन्स मिल रहे हैं जिनको आप एक्सचेंज के ऊपर ले जा सकते हैं, जो कि 26 तारीख को लिस्टिंग वाले दिन ही आपको मिलने वाले हैं, या फिर आप उसको ईबीए एक्सचेंज के ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन बाइनेंस के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ मिलने वाली है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा किसी भी कॉइन के लिए, किसी भी लॉन्च पूल के लिए अभी तक नहीं हुआ था, और ये फ़ायदा सबसे बड़ा हैमस्टर कॉम्बैट वालों को होने वाला है, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट वालों का लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि अगर आपने कई महीनों से टैप टैप करके काफ़ी सारे कॉइन्स अर्न किए थे, लेकिन वो कॉइन्स अभी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे बाइनेंस पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको यहाँ पे सम हाउ कॉइन्स भी मिल जाएँ और उसके ऊपर प्रॉफिट भी आपको मिल जाए। तो ये ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये एक तरीके से एक बड़ा और सबसे बड़ा अपडेट है जो कि बाइनेंस ने आज तक दिया है, जो कि खासकर लॉन्च पूल वालों के लिए है, या फिर जो लोग कॉइन को लिस्ट होने से पहले ही अच्छे प्राइस पे सेल करना चाहते हैं उनके लिए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वॉफ्ट ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हैमस्टर कॉम्बैट की गेम आप सभी ने खेली, खेलना तो क्या ही था, सिर्फ टैप टैप ही करना था। वही कैटिजन के देखे तो वहाँ पे जो कैट्स थी उनको मैच करना था, और वो भी पूरा दिन इसी काम के ऊपर लगे रहे, तो वो भी इतनी कैट्स आपको मिली नहीं, यानी कि इतना कोई खास बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिला होगा। लेकिन एक चीज़ है कि कैटिजन का जो प्राइस है बहुत ऊपर गया, क्योंकि उसकी लिमिटेड क्वांटिटी थी, उसकी वैल्यू $1 तक गई थी, और यही मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। और $1 पे गई और हमने $1 पे उसको सेल भी किया और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। अब समय आ चुका है हैमस्टर कॉम्बैट का। हैमस्टर कॉम्बैट की आप टैप करने पर आपको जो कॉइन्स मिले थे वो तो नहीं मिल रहे हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी मिल रही है जो कि लिस्टिंग वाले दिन आप ले पाएंगे। लेकिन उसका दूसरा तरीका मैं आपको पहले बता चुका था, बाइनेंस का जो लॉन्च पूल है इसके ऊपर आप मेरे कॉइन्स आप देख सकते हैं, टोटल एयरड्रॉप्स यहाँ पे अलग अलग पूल्स के हैं। FDST पूल के मेरे यहाँ पे 2266 हैमस्टर बन चुके हैं, और BNB पूल के 1500 कुछ बन चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा मान लो कि 3-4 हज़ार कॉइन्स मेरे बन ही चुके हैं, जो कि जब तक ये पूल ख़त्म होगा तो अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाएगी, चाहे इसकी कोई वैल्यू मिले ना मिले। लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें मुझे इतने कॉइन्स मिल चुके हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट की नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है जब से इन्होंने एक स्कैम कर दिया है सभी यूज़र्स के साथ, जिन्होंने इतना ज़्यादा टाइम दिया हैमस्टर कॉम्बैट को, लेकिन उनको उनके उतने कॉइन्स जितने बनते थे नहीं दिए, या फिर कईयों को तो मिले ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आ चुका है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर चुका था, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स पहले डालता हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये अपडेट डाल दिया था बाइनेंस का, कि अभी लॉन्च पूल के द्वारा आपको एक बड़ा फायदा होने वाला है हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर, खासकर आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको एक ये अपडेट दे दूँ कि यहाँ पे क्या है कि बिटकॉइन के मंथली रिटर्न के बेसिस पर अगर हम पिछला चार्ट देखते हैं 2013 से लेकर अभी तक 2024 तक, यानी कि 10 सालों का देखते हैं, तो अक्टूबर में हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले हैं, यानी कि ये हमेशा ग्रीन ही रहा है। हम पिछले कुछ 4-5 सालों की भी बात कर लें तो 28% का प्रॉफिट हमें 2023 में देखने को मिला था। अभी ऐसा मान लो कि बुलरन आ चुका है, बुलरन में ऑल्टकॉइंस भी आपको प्रॉफिट देने वाले हैं, बिटकॉइन तो देने ही वाला है। तो हमेशा हम पिछले पैटर्न को लेकर ही चलते हैं, तो पिछले पैटर्न के हिसाब से अक्टूबर बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा प्रॉफिट। अभी अक्टूबर को अक्टूबर के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि कई सालों से अक्टूबर हमेशा बुलिश ही रहा है, तो बुलिश की वजह से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि जो नए ऑल्टकॉइंस हैं वो भी प्रॉफिट देंगे, और जो एग्जिस्टिंग कॉइंस जो बहुत लंबे समय से वहीं रुके हुए थे वो भी हमें एक बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। लेकिन मेन बात अगर हम यहाँ पे इस वीडियो में करें तो वो ये कि बाइनेंस ने लॉन्च किया प्री मार्केट स्पॉट ट्रेडिंग सर्विस विद एक्चुअल टोकन्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो कॉइन्स मिले हैं बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर, जो कि हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइन्स आपको मिले हैं, ये सारे के सारे कॉइन्स आप सेल कर सकते हैं। इनको सेल करने के लिए अभी आपको एक पहले सेल करने का मौका मिलने वाला है, यानी कि जनरली क्या होता है कि अभी ये जैसे कि लॉन्च पूल खत्म होने वाला है कुछ ही घंटों में, उसके बाद जब ये लिस्टिंग होगी 26 तारीख को, उसके बाद ही आप इसको सेल कर पाओगे, या फिर जब ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी स्पॉट की। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाइनेंस के नए फीचर की बात करें, प्री मार्केट जो लॉन्च किया जा रहा है, प्री मार्केट स्पॉट ट्रेडिंग सर्विस, तो इसके ऊपर आपको जो एक्चुअल टोकन्स मिले हैं, जो सबसे पहले टोकन्स मिले हैं, उनको आप ट्रेड कर पाओगे।
तो यहाँ पे इस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है डेरिवेटिव से, यानी कि पहले क्या था कि आपको हमेशा मौका मिलता था कि अगर आपके पास 10 कॉइन्स हैं जो अभी लिस्ट नहीं हुए, उन कॉइन्स को आप डेरिवेटिव्स में 10 के 100 या फिर 10 के 1000 बना के सेल कर सकते थे या फिर एक ट्रेड लगा सकते थे। लेकिन अब उसका एक दूसरा तरीका भी आ चुका है स्पॉट ट्रेडर्स वालों के लिए कि अगर आप प्री मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको बाइनेंस के ऊपर मिलने वाली है, यानी कि जो भी अभी आपके पास HMSTR टोकन्स हैं, हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स हैं, इनको आप पहले ही मार्केट में सेल कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 2-3 रिस्ट्रिक्शंस होंगी। रिस्ट्रिक्शन होगी विड्रॉल के ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, यानी कि ये सब तो आप नहीं कर पाओगे जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाती। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो प्री मार्केट है ये 4 घंटे, लिस्टिंग के 4 घंटे पहले बंद भी हो जाएगी, तो उसके बाद फाइनली लिस्ट हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये भी होने वाला है कि इंडिया में ये फीचर अवेलेबल रहेगा जो कि US, कनाडा, दुबई, जापान और नेदरलैंड्स, रशिया, स्पेन में नहीं अवेलेबल है। ये सिर्फ हमें ही फ़ायदा मिलने वाला है, तो इससे डेफिनेटली हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा सेलर्स होने वाले हैं उतने ज़्यादा बायर्स भी होने वाले हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। तो यही एक सबसे बड़ा अपडेट था। लेकिन याद रखना कि जो मैंने आपको बिटकॉइन का बताया है, तो बिटकॉइन को लेकर यहाँ पे हम एक लिस्ट लेकर आने वाले हैं जो कि टॉप 5 टोकन्स हो सकते हैं और टॉप 5 की जगह टॉप 10 टोकन्स भी हो सकते हैं, टोकन्स या कॉइन्स जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं अक्टूबर 2024 में। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, कोई भी डाउट हो तो भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।